रोहित शर्मा जैसे ही कप्तान बनते संजू सैमसन को बाहर कर दिया जाता है। जब भी रोहित शर्मा बतौर कप्तान टीम की कमान संभालते हैं तो जो संजू सैमसन स्क्वाड में होते हैं वो स्क्वाड में ही पड़े रह जाते हैं। माने वो एक कहते हैं ना कि उल्लू बनाने के लिए रखा जाता है। आप आइए सर, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप बहुत जरूरी हैं, लेकिन मौका नहीं देंगे। एशिया कप याद होगा आपको, एशिया कप में संजू सैमसन को लेके गए थे कि भाई संजू सैमसन को हम खिलाएंगे। संजू ने अपना काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा था उस वक्त देश के लिए, और देश के कप्तान ने उनके साथ क्या क्या किया, उनको बैकअप के तौर पर रखा, मतलब एक भी मैच खिलाया नहीं, और जब केएल राहुल फिट हो गए तो स्क्वाड से भी बाहर कर दिया बिना एक भी मैच खिलाए। अब क्या होता है, फिर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज थी, वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी मानी जा रही थी। एक बार फिर से रोहित शर्मा बतौर कप्तान वापसी करते हैं T20 फॉर्मेट में, 427 दिन बाद वापसी होती है और फिर प्लेइंग 11 आती है तो संजू सैमसन उससे बाहर छोड़ दिए जाते हैं। माने संजू सैमसन को स्क्वाड वाला लॉलीपॉप दिया जाता है और उसी के साथ बिठा दिया जाता है। प्लेइंग 11 जब आप देखेंगे तो उससे आने से पहले बात चल रही है कि जितेश शर्मा या संजू सैमसन। सबको उम्मीद थी कि संजू को कम से कम अब तो मौका दिया जाएगा। इस बंदे ने 2015 में अपने T20 डेब्यू किया था और 8 साल में महज 21 इनिंग इसने देश के लिए खेली है। 8 साल में 21 इनिंग, माने साल में 3 इनिंग भी इनको नहीं खेलने को मिलती, और फिर आप कहते हो कि हम टैलेंट की कदर करते हैं। खिलाड़ी लगातार रन बनाता है, डोमेस्टिकर में रन बनाता है, IPL में कैप्टन है टीम का। ऐसे थोड़ी कैप्टन बना दिया गया होगा यार, कुछ तो बात होगी, कुछ तो टैलेंट होगा, आप कुछ तो सराहना समझते होंगे ना उस टैलेंट की। हीरे की कद्र जौहरी को होती है, ऐसा लग रहा है कि ये जौहरी या तो इस हीरे को हीरा नहीं समझ रहा है या फिर कुछ और दिक्कत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम में संजू सैमसन की जगह बनती थी। और जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसके लिए अगर आप टीम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आप बतौर सीनियर प्लेयर्स आपके नहीं अभी अवेलेबल, तो ऐसे में आप नंबर 4 के लिए संजू सैमसन को रख सकते थे। आपने शिवम दुबे को दिया मौका, दिया आपने शिवम दुबे को, ही इज अ गुड प्लेयर, ऑलराउंडर है, दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों देते हैं, पर आपको क्या, आपको वाकई में जरूरत थी एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन की, क्योंकि रिंकू सिंह खेल रहे थे और रिंकू सिंह आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, तिलक वर्मा खेल रहे थे, तिलक वर्मा आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन देते हैं। तो ऐसे में मोहाली के पिच पर क्या संजू सैमसन को नहीं खिलाया जा सकता था? क्या डर है कि अगर संजू रन बना देंगे तो उनको टीम से बाहर क्या बताकर निकालेंगे, उनको टीम से बाहर क्या कहकर रखेंगे? क्योंकि अक्सर यही होता है ना, संजू आते हैं बड़ा मुश्किल से स्क्वाड में आते हैं। आप सोचिए ना कि 2015 में एक खिलाड़ी डेब्यू करता है, 2023 तक करीब 8 साल में, उस 8 साल के दरमियान उसको सिर्फ 21 इनिंग खेलने को दी जाती है, 133 से ऊपर का उसका स्ट्राइक रेट होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि संजू सैमसन के साथ अन्याय तो हो रहा है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।